हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, अभी के टाइम में टू व्हीलर्स की चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप कोई ऐसा टू व्हीलर चलाते हैं जिसमें डिस्क ब्रेक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ गया हूँ जो आपके बाइक या स्कूटी को काफ़ी हद तक बचा सकता है चोरी होने से। इस प्रोडक्ट का नाम है डिस्क लॉक, एंड ये मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से। काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मुझे मिल गया है। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फर्स्ट लिंक क्लिक करके इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। एंड इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम वहां पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू दी वीडियो। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमें कुछ इस तरह के काफी अच्छे प्लास्टिक पैकेजिंग में मिला है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो चलिए कट कर लेते हैं इस पैक को एंड देखते हैं कि कैसा है ये डिस्क लॉक। तो दोस्तों, अंदर के साइड में हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये डिस्क लॉक मिला है। पोस की ब्रांडिंग ऊपर के साइड में की गई है, और ये वाला कंपनी का मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सेल होने वाला प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट में। अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो ये मुझे मिला है 295 रुपीज़ का। यहाँ पर रेसिंग प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग की गई है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेन डिस्क लॉक। पीछे की साइड में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क ब्रेक लॉक एलॉय, और साथ में DNXB सिक्योरिटी लॉक के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये कोई भी रैंडम की से नहीं खुलने वाला है, क्योंकि इसे कंस्ट्रक्टिव ऐसा इनोवेटिव तरीका से किया गया है मल्टीपल लेयर में कि कोई भी वर्सेटाइल की से इसे नहीं खोल सकता है। साथ में ये हार्डेन स्टील से बना हुआ है, तो अगर कोई इसे सौ से कट करने की कोशिश करेगा तो भी इसे नहीं काट पाएगा। साथ में बहुत ज्यादा हार्ड स्टील से बने होने की वजह से कोई भी इसे फोर्स से भी नहीं तोड़ सकता है। आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। साथ में इसे कोई ड्रिल से भी ओपन करने की कोशिश करेगा तो भी इसे ओपन नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो चलिए ओपन करते हैं इस पैक को एंड देखते हैं कि कैसा है ये डिस्क लॉक। सो दोस्तों, हम सिंपली कुछ इस तरह से इसे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सिंपल सी पैकेजिंग की गई है। अंदर के साइड में हमें कुछ ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये है वो मेन डिस्क लॉक। यहां पर आपको की डाल के इसे ओपन करना पड़ता है। साथ में दो की दिए गए हैं एंड साथ में ये क्लैंप दिया गया है। दोस्तों, इसे यूज करना बहुत ही इजी है। सिंपली आपको इस की को कुछ इस तरह से इसमें इंसर्ट करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली कुछ इस तरह से इसमें इंसर्ट हो जाता है, एंड सिंपली कुछ इस तरह से आप इसे घुमाइएगा तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस की को निकाल भी सकते हैं और डिस्क के पास जाके सिंपली आप इसे पुश कीजिएगा तो ये लॉक हो जाएगा। अब बात करें इस क्लैंप की, तो ये काम आता है इसे कैरी करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी बैग वगैरह नहीं है तो आप सिंपली आप इस क्लैंप को अपने बाइक में कहीं भी लगा दीजिए, उसके बाद आप कुछ इस तरह से इसे कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली कुछ इस तरह से इसमें फिट हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फिट हो जाता है, उसके बाद आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको बाइक के पास, उसके बाद दिखाता हूं कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे लगाना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने बाइक के पास, तो सिंपली मैं इस लॉक को पहले ओपन कर लेता हूं। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये ओपन हो गया। उसके बाद आपको इसे फिट करना बहुत ही इजी है। आप देख पा रहे होंगे डिस्क में कुछ इस तरह का होल होता है, आपको कुछ इस तरह से इसे पुट करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर पुश कर देना है इस बटन को। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली यहाँ पर लॉक हो जाता है ये। लेकिन इस लॉक का मुझे एक डिमेरिट ये लगा कि अगर आप इसे भूल जाइएगा लगाकर तो ये आपके कैलिपर्स को डैमेज कर सकता है या फिर आपके फेंडर को ये तोड़ सकता है। तो दोस्तों, ये लॉक का ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, लेकिन ये लॉक आपके बाइक को चोरी होने से बचा सकता है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली इसमें लग जाता है, एंड जो इसका मटेरियल है वो भी बहुत ही हार्ड है। क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। तो अगर आपको इमरजेंसी के लिए कोई लॉक चाहिए तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप बाइक चलाइए तो इसे ओपन कर लीजिए। सो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रोडक्ट को बहुत ही ध्यान से यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे लगाकर भूल जाइएगा तो ये आपके और आपके बाइक के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। लेकिन इमरजेंसी के लिए
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि हम बहुत जगह ऐसा जाते हैं जहां पर इस टाइप के लॉक की जरूरत होती है। नॉर्मल लॉक के ऊपर छोड़ना कभी कभी रिस्की हो सकता है, तो उस टाइम के लिए आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन काफी ध्यान से। सो दोस्तों, अगर आपने इसे पहले यूज किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड दोस्तों, हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।